लालू प्रसाद यादव सीएम हाउस पहुंचे हैं, तेजस्वी के साथ सीएम हाउस पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मीटिंग चल रही है। कई मुद्दे हैं बात करने को, खासकर सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या 22 तारीख को लेकर के जो रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, इसको लेकर भी दोनों पार्टियों में कुछ हद तक मतभेद देखा जा सकता है, जहां लालू पूरी तरह से इनकार करते नजर आते हैं, जेडीयू सदी हुई नजर आती है। तो लालू पहुंचे हैं सीएम आवास अपने सुपुत्र डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ, कमरे में बैठकर नीतीश के साथ बिहार और भारत की राजनीति के कुछ ना कुछ कहा जा सकता है परिणाम और भविष्य को फिक्स करने के लिए लालू प्रसाद यादव आए हैं। बहुत दिनों से लालू प्रसाद यादव इस मामले में बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो लालू तेजस्वी के साथ पहुंचे हैं सीएम आवास पे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं, तीनों नेताओं के बीच गहन बातचीत हो रही है। मामले बहुत हो सकते हैं, सीट शेयरिंग का हो, चाहे 22 जनवरी को लेकर के गठबंधन के स्टैंड का हो, कुछ भी हो सकता है मामला। लेकिन फिलहाल जो बातें, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर है। तो तेजस्वी के साथ पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं, जो गठबंधन में, इंडी गठबंधन में उनका एक बड़ा रोल माना जाता है। लालू प्रसाद यादव को एक मेंटोर और बड़े लीडर के तौर पर देखा और माना जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशुतोष, लालू प्रसाद यादव का आना और तेजस्वी के साथ आना अपने आप में कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेत भी है, और ये बता रहा है कि ये मीटिंग कुछ ना कुछ रिजल्ट और नतीजे जरूर देगी। नहीं, बिल्कुल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हालांकि राजनीतिक गलियारों में कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि सब चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि 1 जनवरी को न तो लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, उस दिन राबड़ी देवी का जन्मदिन भी था और उस दिन भी नीतीश कुमार ने कोई बधाई नहीं दी थी। हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त सीएम हाउस की, और स्वाभाविक तौर पर ये जो मुलाकात हो रही है ये इसलिए अहम है क्योंकि अभी ठीक 11:30 बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, और ये अपने आप में एक और भी हैरानी करने वाली खबर है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि जेडीयू ने अपने विधायकों को 72 घंटे तक पटना में रुकने का निर्देश दिया है। ये खबर कहीं पुष्ट नहीं हो रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस खबर की चर्चा बहुत जोरों से है। तो स्वाभाविक तौर पर एक तरफ बीजेपी बैठक कर रही है विधानमंडल दल की, दूसरी तरफ जेडीयू के विधायकों को निर्देश दिया गया है कि आप पटना में रहिए, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं कयासों को बल मिलता है। और अभी जो हालात है, अभी ये हालात है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ सीएम हाउस पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि अब तक का जो इतिहास आप देखेंगे तो इतिहास यही बताता है कि जब जब ऐसी परिस्थितियां रहती हैं हालात ऐसे ही हो जाते हैं, तो हालात लगभग कमोबेश इसी तरह के रहते हैं, और इसी तरह से विधायकों की मीटिंग होती है, नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला चलता है, और कमोबेश क्योंकि मैंने 2 हालात ऐसे देखे हैं, 2013 की बात करें या फिर 2017 की बात करें, और स्थितियाँ लगभग मैच करती हैं, और जो टकराहट की स्थिति थी वो टकराहट की स्थिति सीट शेयरिंग को लेकर के बनी थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, अगर जेडीयू की बात करें तो आपने देखा होगा कि जेडीयू अपने स्टैंड पर अड़ी हुई थी कि जेडीयू को 17 ही सीटें चाहिए लोकसभा चुनाव में, उससे कम पर समझौता नहीं होगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से बात करें, कांग्रेस की तरफ से बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने भी दावा ठोका था कि कम से कम पिछले बार 9 सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ी थी, और इस बार कांग्रेस ने 11 सीटों की सूची सौंपी थी बिहार कांग्रेस ने अपने आला कमान को। तो और आपने लेफ्ट को भी देखा होगा, माले की तरफ से 5 सीटों की डिमांड हो रही थी, इसके अलावा सीपीआई सीपीएम की तरफ से सीटों की डिमांड हो रही थी। तो ये जो खींचतान चल रही थी वो खींचतान कहीं ना कहीं लग रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच में सहज स्थिति नहीं है। उसके बाद एक और जो नया मामला सामने आया है उसमें ये है कि लगभग 7 सीटें ऐसी थी जो आरजेडी चाहती थी कि जेडीयू अपनी सीटें छोड़ दे, क्योंकि 7 सीटों पर आरजेडी वहां अपने आप को कंफर्टेबल मान रही थी, और आरजेडी ये चाह रही थी कि वो सीटें आरजेडी को मिले, लेकिन जेडीयू का दावा था कि वो चूंकि सिटिंग सीट है इसलिए जेडीयू नहीं छोड़ेगी, और आरजेडी का ये कहना था कि जो आप सीटें
जीतने का दावा कर रहे हैं वो आपने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था इसलिए वो आप सीट जीत सके थे। इस सीट पर हमारी दावेदारी बनती है और सबसे ज्यादा हमारे विधायक है 79 विधायक है इसलिए ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार हमारा बनता है। जबकि जेडीयू इस बात पर अड़ी थी कि हर हाल में हम लोग 16 सीटिंग सीट है, 17 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो ये फिलहाल हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा टकराहट की स्थिति दिख रही थी। और अगर आप 1 जनवरी से पहले चले जाएं तो कई ऐसे मौके हुए, आपने इन्वेस्टर्स मीट देखा था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का इन्वेस्टर्स मीट था और उसमें तेजस्वी यादव नहीं शामिल हुए थे। तो स्वाभाविक तौर पर उसी वक्त से हालात से अंदाजा लगाया जा रहा था कि बिल्कुल ही सहज स्थिति नहीं है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि आरजेडी को इस बात का मलाल था कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर आपने इन्वेस्टर्स मीट की बात करें या फिर शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें, सारा क्रेडिट जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे थे, माफ कीजिएगा आरजेडी, जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे थे, लेकिन आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव को कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था, पोस्टर्स में सिर्फ नीतीश कुमार ही छाए हुए थे। तो इस बात का भी मलाल आरजेडी नेताओं को था। गाहे बगाहे अगर आरजेडी के किसी भी विधायक से आप पूछ लेते तो वो खुश नहीं थे, उनका साफ तौर पर आरोप ये था कि सरकार में हमारी सुनी नहीं जाती, हमारे काम नहीं होते। तो स्वाभाविक तौर पर अंदर से बहुत खटास दिख रही थी, लेकिन ये खटास कहाँ तक जाएगी ये एक सवाल है। फिलहाल अभी कयासों का बाजार गर्म है और उसी कयासों के बाजार के आधार पर ही हम बता रहे हैं कि रिश्ते किस तरह से बने ये कोशिश की जा रही है, रिश्तों को बचाने की कोशिश की जा रही है, गठबंधन को बचाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से बात करने पहुंचे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ कहीं खटास है, कहीं कोई परेशानी है, समस्या है, तो आपस में मिल बैठकर बातचीत कर लिया जाए, समस्या का समाधान कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि जेडीयू ने, जेडीयू को सिर्फ आरजेडी से परेशानी नहीं है, जेडीयू को परेशानी कांग्रेस से भी है, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही सीट शेयरिंग में काफी विलंब हुआ। आपने देखा होगा कि विजय चौधरी लगातार स्टेटमेंट दे रहे थे, अशोक चौधरी स्टेटमेंट दे रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर के विलंब हो चुका है, संजय झा दे रहे थे कि सीट शेयरिंग में विलंब हो चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर में हुई एक रैली के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस अभी चुनाव में व्यस्त है और सीट शेयरिंग पर कभी भी कहीं भी कांग्रेस का ध्यान नहीं है। जी आशुतोष, स्वाभाविक तौर पर जेडीयू ने कांग्रेस के ऊपर ठीकड़ा फोड़ दिया और जो पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन का बुनियाद था, लालू प्रसाद यादव सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और उनके बीच, उनके तेजस्वी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पे जो मुद्दा उछल गया है और जो उलझ गया है, दोनों ही बातों को लेकर किसी तरह से किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। तो बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका, खबर पे नजर बनाए रखें।